अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फिलर बूस्टर्स। फिलर का नाम तो आप लोग सुनते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और ज़्यादातर लोगों को पता भी है कि फिलर्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम बात करने लगे हैं फिलर बूस्टर्स पे। फिलर बूस्टर्स जो होते हैं वो फिलर्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? फिलर्स जो होते हैं, आम लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रही हूँ कि उनकी जो थिकनेस होती है वो इस तरह की होती है और जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह की होती है कि उनको आप स्पेसिफिक एरियाज जैसे फोल्ड्स में, लाइंस में, इन जगहों के ऊपर फिल करने के लिए, भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो फिलर बूस्टर्स होते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड है वो इतना थिक नहीं होता और वो डबल बॉन्डेड भी नहीं होता, वो सिंगल बॉन्डेड होता है और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फिलर्स। और उसके अलावा उसके अंदर स्किन को बेहतर करने के लिए जितने भी और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है या जितने भी और चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें कॉलेजन इलास्टिन है, हाइलुरोनिक एसिड तो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो हाइलुरोनिक एसिड भी इसके अंदर होता है, इसमें कॉलेजन इलास्टिन भी होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बूस्टर्स होते हैं जिसके अंदर स्किन की टोन को बेहतर करने के लिए इन्ग्रीडियंट्स भी डाले गए होते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे बूस्टर्स भी होते हैं जिसके अंदर वाइटमिन्स जो कि एसेंशियल होते हैं स्किन के लिए वो भी इसके अंदर डले हुए होते हैं। और इनको लगाने का तरीका काफ़ी मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू फिलर इंजेक्शंस। फिलर इंजेक्शंस जो होते हैं वो हमने स्पेसिफिक एरिया पे लगाने होते हैं जहाँ पे हमने जिस लाइन को, जिस रिंकल को फिल करना है वहाँ। जबकि जो फिलर बूस्टर्स होते हैं उनको हम पूरे फेस पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ तक के पूरे फुल फेस पे भी लगा सकते हैं और फुल नेक के ऊपर भी लगा सकते हैं और हैंड्स की बैक साइड पे भी ये लग जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? आपकी पूरी स्किन जो है वो आपको प्लम्पर लगेगी, आपको यूथफुल लगेगी, उसकी टोन आपको पहले से बेहतर लगेगी, उसकी इलास्टिसिटी बेहतर लगेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी स्किन आपको बहुत ग्लोई और बहुत फ्रेश और बहुत हेल्दी लुक देगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों की स्किन थिन होती है या जिन लोगों की स्किन जो है वो चीज़ों के रिजल्ट को होल्ड नहीं करती है। जैसे आप हमारे पास आए, हमने आपकी पिगमेंटेशन ठीक कर दी लेकिन आपकी क्योंकि थिन स्किन है तो उसकी वजह से बार बार आपकी स्किन का जो टोन या कलर या कॉम्प्लेक्शन है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि जिनकी स्किन थिन है उनके लिए बूस्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। प्लस ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनकी स्किन हर वक्त हेल्दी लगे, हर वक्त फ्रेश लगे, हर वक्त ग्लो कर रही हो और उनको बहुत कुछ ऊपर से ना लगाना पड़े, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। कौन कौन लगवा सकता है? जी कोई भी लगवा सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मेल को नहीं लगा सकते और फीमेल को लगा सकते हैं। ये एक लंच टाइम प्रोसीजर होता है जो कि सॉर्ट ऑफ पेनलेस होता है, उसमें कोई पेन नहीं होती है और इसको लगवाने के बाद कोई डाउन टाइम नहीं होता। आप लंच टाइम में आएँ, अपना प्रोसीजर करवाएँ और वापस जा सकते हैं। एक दफ़ा करना पड़ता है या ज़्यादा दफ़ा, डिपेंड करता है। अगर तो आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो फिर ये भी हो सकता है कि हम एक ही बूस्टर लगाएं और फिर उसको 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स के ऊपर दोबारा रिपीट कर लें। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है तो फिर हम उनको सेट ऑफ 3 या फिर 4 बूस्टर्स लगाते हैं विद द गैप ऑफ 3 वीक्स या फिर 1 मंथ और उसके बाद जो है वो आप उसको छोड़ देते हैं स्किन को। कुछ एप्लीकेशंस और होम एप्लीकेशंस के साथ आप इसको रिपीट कर सकते हैं। सिंगल सेशन जो है वो इसका रिपीट किया जा सकता है every 3 months। तो इस तरह से जो है वो आप देखेंगे कि आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन, आपकी स्किन का टोन, आपकी स्किन का टेक्स्चर और उसके साथ साथ आपकी स्किन एकदम हेल्दी और फ्रेश रहेगी। आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, विदर्ड नहीं होगी, ओपन पोर्स नहीं होंगे, स्किन की क्वालिटी, टेक्स्चर, टोन तीनों चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये था हमारा आज का आप लोगों के साथ सेशन और इसमें मैंने आपसे फिलर बूस्टर्स पे बात की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो कि ये चाहते हैं कि बहुत ही नेचुरल वे में उनकी स्किन जो है वो यूथफुल लगना शुरू हो जाए, लिफ्टेड लगे, टेक्स्चर
टेक्सचर और टोन में अच्छी लगे और थोड़ा एंटी एजिंग इफेक्ट भी आए, लेकिन वो फिलर्स यूज़ नहीं कराना चाहते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इसके लिए आपको फर्दर डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो गिवन नंबर्स के ऊपर जो है वो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।